क्वालिटी का भरोसा चाहिए तो प्रमोद ज्वेलर्स आइए, जो लेकर आए हैं शगुन कलेक्शन का एक खूबसूरत तोहफा। हर 30,000 रुपए की खरीद पर पाइए एक लकी ड्रॉ कूपन। लकी ड्रॉ योजना में वेस्पा जीतने का सुनहरा मौका और भी कई सारे आकर्षक इनाम। जल्दी करें। प्रमोद ज्वेलर्स, पारधी नगर, हिंगणा रोड, नागपुर, TNC अप्लाई। आज राष्ट्रीय सत्य तुकड़ोजी महाराज कैंसर अस्पताल को 50 वर्ष पूरे हुए हैं, जिसके उपलक्ष्य में एवं स्वर्गीय मीनाताई जवादे की स्मृति प्रीत्यर्थ कैंसर अस्पताल में 10 बेड के अति दक्षता विभाग का लोकार्पण उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के हाथों संपन्न हुआ। राष्ट्रीय संत तुकड़ोजी महाराज कैंसर अस्पताल शहर का प्रसिद्ध अस्पताल है, जहां सिर्फ नागपुर से ही नहीं तो कई इलाकों से लोग कर्क रोग के इलाज के लिए आते हैं, जिसके चलते इस अस्पताल में अति दक्षता विभाग की आवश्यकता को जानते हुए राहुल जवादे एवं जवादे परिजनों द्वारा 10 बेड का ICU कैंसर अस्पताल को दिया गया, जिसका लोकार्पण राज्य के उप मुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस के हाथों संपन्न हुआ, जहां उन्होंने विभाग का निरीक्षण भी किया। तो वहीं कैंसर अस्पताल के सभागृह में उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस एवं जिलाधिकारी विपिन इटनकर का स्वागत किया गया। इस समय बोलते हुए फडणवीस ने कहा कि कैंसर का इलाज सर्वाधिक समय चलता है, जिसके चलते कर्क रोग के रोगी मानसिक पीड़ाओं से गुजरता है, और तुकड़ोजी महाराज ने सेवा की शिक्षा दी और उसी व्रत को आगे ले जाते हुए कैंसर रिलीफ सोसाइटी अस्पताल के माध्यम से जन सेवा करी है। इस वक्त उन्होंने कैंसर अस्पताल के 50 वर्ष पूर्ति पर सभी को शुभकामनाएं भी दी। साथ ही साथ मौजूद जिलाधिकारी विपिन इटनकर को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कैंसर अस्पताल की योजना कैंसर अस्पताल को दी गई, लेकिन कुछ काम अधूरा रहा है। जिलाधिकारी से विनती है कि रोड मैप तैयार करें, ताकि जल्द से जल्द 250 बेड का अस्पताल के लिए निधि निर्माण कर अस्पताल तैयार किया जाए। यह दुर्भाग्य है कि कैंसर उपचार के लिए योग्य सुविधा नहीं है, और उन्होंने जल्द से जल्द इस दिशा में कार्य करने का आश्वासन कैंसर अस्पताल के कर्मचारी एवं जनता को दिया है। व्यवस्था उपलब्ध नहीं है, जेवढे जास्तीत जास्त व्यवस्था आपल्याला करावी करता येईल ते करण्याचा प्रयत्न आपल्याला करावा लागेल। कारण हे खरं आहे की कोणाला अशा प्रकारच्या व्यवस्थेत जाण्याची गरज पडू नये, ही जरी आपली किती इच्छा असली तरी व्यवस्था ही उभी केलीच पाहिजे, कारण गरजवंतांना त्या ठिकाणी कुठेही त्यांना उपचार मिळत नाही अशा प्रकारची अवस्था येणं हे मला असं वाटतं अतिशय दुर्दैवी असणार आहे। आणि म्हणून मी या आपल्या 50 वर्ष पूर्ण झाल्याच्या निमित्ताने आणि जवादेंनी राहुलनी या ठिकाणी अतिशय सुंदर अशा प्रकारचं ICU तयार केलेलं आहे, त्यांचं आणि त्यांच्या परिवाराचं देखील मी मनापासून अभिनंदन करतो। आणि त्याचसोबत आपल्याला हे आश्वस्त करतो की ही जी काही 250 बेडेड आपली हॉस्पिटलची बिल्डिंग आहे ती पूर्ण करण्याकरता मी स्वतः पुढाकार घेऊन त्याला जास्तीत जास्त जी काही मदत करता येईल ती करण्याचा मी प्रयत्न करेन। कॅमेरा पर्सन राजकुमार बोहट के साथ मनीष टेमरी की रिपोर्ट।